Myself Neha Tripathi and welcome to my YouTube channel Grass Chemistry. आज हम देखेंगे bonding क्या होता है. Bond यानी क्या होता है? जब दो atoms combine होके एक molecule form करते हैं या फिर कोई compound बनाते हैं उसे हम कहेंगे, जो bridge होता है दो atoms के बीच में का उसे हम कहेंगे bond. तो बेसिकली आज हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है और पाई बॉन्ड कैसे होता है, ये हमें देखना है. तो मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगी सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है और सिग्मा बॉन्ड की खासियत ये है, स्पेशलिटी, कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है ये भी हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है. सिग्मा बॉन्ड जो है ये हमेशा बिटवीन टू एटम्स जब फॉर्म होता है, अगर उनके ऑर्बिटल्स एक्सिस पर ओवरलैप होते हैं तभी वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जैसे SS ओवरलैपिंग. अब ये SS ओवरलैपिंग यानी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने देखे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप के थे? S, P, D एंड F, ठीक है. ये ऑर्बिटल्स थे S, P, D, F. तो S ऑर्बिटल है, इसका शेप कैसे होता है? स्पेरिकल शेप. और बाकी के इनका शेप होता है डम्बल शेप, ठीक है, या फिर डबल डम्बल इनका शेप होता है. अगर S ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल है और दूसरा S ऑर्बिटल है, ये एक्सिस पर ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सिस पर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. और हमेशा एक चीज आपको याद रखना है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है, ठीक है. हमने देखा फर्स्ट SS ओवरलैपिंग, और S ऑर्बिटल जहां पर होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, क्योंकि S ऑर्बिटल एक्सिस पर ही बॉन्ड बनाता है. सेकेंड बी sp ओवरलैपिंग. अब sp ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. कैसे? एक s ऑर्बिटल हमने लिया, एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल, ये हमने लिया px ऑर्बिटल, ठीक है. क्या होगा? इनका sp ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी एक s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है एक p ऑर्बिटल के साथ. इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में, और ये ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है? ऑन द एक्सिस. एक्सिस पर ओवरलैपिंग, दैट मीन्स एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. तो यहाँ पर हो गया sp ओवरलैपिंग. थर्ड टाइप जो है वो है pp ओवरलैपिंग. pp ओवरलैपिंग यानी एक p ऑर्बिटल प्लस दूसरा p ऑर्बिटल, ये अगर ओवरलैप होते हैं एक्सिस के ऊपर, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा? वन सिग्मा बॉन्ड. तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं SS ओवरलैपिंग से, sp ओवरलैपिंग से, या फिर pp ओवरलैपिंग से. तो ओवरलैपिंग तो हो रहा है, बट स्पेशलिटी इसकी क्या है मेन, कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज वेल एज एक्सियल ओवरलैप अगर होता है, यानी एक्सिस के ऊपर वो ओवरलैप होते हैं तो ही वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, ओके. और व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड? बिकॉज एक्सियल ओवरलैप है. जितना ज़्यादा एक्सियल ओवरलैप से उसे सपोर्ट मिलता है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना वो स्ट्रांग होगा. सिंपल सी बात, जैसे हम घर बनाते वक्त आयरन रॉड्स यूज़ करते हैं. आयरन रॉड्स जिसे हम पिलर्स कहते हैं, उससे क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है एक्स्ट्रा, तो वो स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनता है. सेम ऐसे ही सिग्मा बॉन्डिंग में होता है. सिग्मा बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, जिससे उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है. और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग रीजन रहेगा, जितने ज़्यादा ओवरलैप होंगे, ओवरलैपिंग रीजन जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड जो है वो एक्सिस के ऊपर ओवरलैप नहीं होता है. सेकेंड जो
जो हमें देखना है, दैट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इट इज वेरी वीक बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड। और अगर कहीं पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड है मान लो, और वहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो पहले सबसे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बिकॉज इट इज वीक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड इज पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ये लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज नोन एज वीक बॉन्ड और इट इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है उस पर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, पाई बॉन्ड में कौन सा ओवरलैपिंग होता है? लैटरल ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कैसे होता है? वीक बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड देखो कैसे फॉर्म होता है, जैसे और एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा कभी, पी ऑर्बिटल है, पी पी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। इसके पहले मैंने पी पी ओवरलैपिंग से आपको सिग्मा बॉन्ड बताया था, वहां पर हमने देखा था पी पी ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप होते थे एक्सिस के ऊपर, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। बट अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पी पी ऑर्बिटल का जो, जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है प्लस ये एक पी ऑर्बिटल है, दोनों पी ऑर्बिटल है, इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इनका ओवरलैपिंग अगर अबव द एक्सिस, सॉरी अबव द एक्सिस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस अगर ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल्स का, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं और ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रहा है? अबाउट द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। सो अबाउट द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस से जो ओवरलैपिंग होगा उसे हम कहेंगे इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड? पाई बॉन्ड, विच इज वेरी वीकर बॉन्ड। तो यहाँ पर पी पी ओवरलैपिंग देखना है, सिग्मा में भी पी पी ओवरलैपिंग है बट वो एक्सिस पर है इसलिए उसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहा है, विच गिव्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर अबाउट द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। तो ये हमने आज देखा है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसका मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर मल्टीपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें कैसी अरेंजमेंट रहेगी, कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेगा, कौन सा बॉन्ड पाई बॉन्ड रहेगा, ये मुझे आपको बताना है। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने जो आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था सभी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर देखो सभी सिग्मा बॉन्ड्स थे इन केस ऑफ मीथेन, और जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है लाइक अल्कीन एंड अल्काइन, वहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो अकर होते थे। देखो जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अगर है तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में ये लोअर बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है, ये अपर बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड रह गए, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में क्या रहेगा? एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड में क्या रहेगा? एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहेगा? एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें मीथेन में देखो CH4 सभी सिंगल बॉन्ड्स है, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, कार्बन का ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ऐसे, तो यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड रह गए। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमने इथीन का स्ट्रक्चर देखा था, ट्रिपल बॉन्ड में हमने एसिटिलीन का स्ट्रक्चर देखा था, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अब ये बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में का दो इलेक्ट्रॉन से, दूसरा भी दो, यानी डबल बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? फोर इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए?
दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, चार इलेक्ट्रॉन से बनकर डबल बॉन्ड बनेगा, और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अगर है, एक एटम के तीन इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे एटम के तीन इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कहीं पर, मान लो ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल ब्रेकिंग होगा, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड में ये लोअर बॉन्ड जो है ये सिग्मा है, और ये अपर बॉन्ड जो है ये पाई है। सिमिलरली यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आ रही है, तो विच बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट? फर्स्ट पाई बॉन्ड विल ब्रेक। वाई इट हैपन सो? बिकॉज यहाँ पर सिग्मा और पाई में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों में से जो बॉन्ड वीक रहेगा वो पहले ब्रेक होगा। तो यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड अगर है, तो ये पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आती है, तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए और फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए। बट अगर सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है सिर्फ सिग्मा है, तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का ही ब्रेकिंग होगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन का बेसिक हम देखेंगे, ठीक। सो तब तक के लिए थैंक यू।